दो दिन पे दो वीडियो यस, क्योंकि पगे पे चुके हैं, लड़ाइयां लड़ चुकी हैं, पिटाइयां बज चुकी हैं, लेकिन आज देखेंगे किसकी ज्यादा गलती है और कौन सही है कौन गलत। स्वागत है आपका एक और खटवर से विद केस टू माय बाय गाइस। तो लड़ाई हो चुकी है मैक्सन और एल्विस के बीच, लेकिन गलती किसकी थी? मैक्सन की असल में पिटाई हो चुकी है, एल्विस ने हाथ उठा दिए हैं मैक्सन के ऊपर, लेकिन क्या वो जायज था या फिर नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। अपन पूरा देखेंगे सीन क्या है, सेट सीन क्या हो रखा है, उसके बाद ही एक ओपिनियन फॉर्म करेंगे। गाइस अभी कुछ नहीं, आओ चालू करते हैं। वीडियो होने वाली है पीपो है भाई की। मैंने कोई भी वीडियो नहीं देखी आज तक, लेकिन मैंने नाम बहुत सुना है। आई गेस ही मेक्स गुड वीडियोस, लेट्स सी माय गाइस। हां आ जाओ, मैं भी आगे घूम रहा हूं। ऐसे तो ये सीन था, मैक्सन ने कॉल करके ये कंफर्म कर दिया कि हां ये भी आ गया। अब यहां पे देखो एल्विस आता है सामने से, मैक्सन हाथ मिलाने के लिए उठता है, उससे आप और पिटाई लग जाती है, लेकिन आओ देखें क्या हुआ। सबका स्वागत है पीपल में। जैसा आप सब वेट कर ही रहे थे, आपको मेरा ओपिनियन चाहिए था कि मैक्सटन और एल्विस की फाइट का जो वीडियो वायरल हुआ है, yes. तो मेरा क्या ओपिनियन है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टॉपिक था कि क्या एल्विस यादव एक फेक हिंदू है। मैंने उसमें बताया था कि मेरा ओपिनियन क्या है कि कैसे एक किसी इंसान को हक करने से, वो भी एक चैरिटी मैच के दौरान, क्या किसी को उसके रिलीजन पे जज कर लेना चाहिए। और आपको मेरा ओपिनियन जानना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जब मैंने लास्ट वीडियो बताया था तब तक मेरे पास ये फुटेज नहीं थी। जब ये वीडियो अपलोड हुई थी तब मैं भी, तुम्हें बताऊं एक बात, ये ना मैं भी जो वीडियो मैंने कल बनाई थी वो बहुत अलग थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने ये देखा ना तो काफी चेंजेस करने पड़े मेरे को। ये शाम तक ये क्लिप आ गई और वो वीडियो अलग थी जो मैंने कल डाली थी काफी, लेकिन उस बात चेंजेस करने पड़े भाई ये चीज देख के। ये पता चला इसके बारे में, हमने फुटेज देखी और मैंने एडिटर को बोला कि इस जगह आप एडिट कर दो कि ये वीडियो कल आएगा। मैं इस वक्त रात को ये वीडियो बना रहा हूं, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं और अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं कि मेरे को क्या लगता है इस पूरे मामले में। जो सीसीटीवी क्लिप जो मैक्सन के फोन से रिकॉर्डेड हुई है, क्लिप नॉट सीसीटीवी क्लिप, जहां साफ दिख रहा है कि एल्विस यादव आया बहुत सारे लोगों के साथ और मैक्सन पे और फोन छुपा हुआ है, किसी को शक हो अगर कि फोन छुपा है कि नहीं, फोन छुपा हुआ है जहां तक मेरे को पता है, दावा बोल दिया उसको पीटा पेरमी से। मैक्सन ने पोक किया, कोई बात नहीं, पोक हर कोई कर सकता, जो रोस्टिंग होती है वो भी पोकिंग होती है, मेरे को भी कई लोगों ने रोस्ट किया। राइटली आप लोग एज मैच्योर एडल्ट्स इन द यूट्यूब कम्युनिटी, आपको चीजें सॉल्व करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, हैंडशेक करना चाहिए। मैक्सटन पोक करता है, मैक्सटन की आदत है पोक करने की, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा, उसने कई ऐसे काम किए जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता, आई डोंट लाइक दैट गाय। उसका उसकी आदत है, उसकी कुछ ट्वीट्स भी हैं, उसकी जो मेंटालिटी, उसका जो माइंडसेट है साफ वो दिखा रहा है कि कैसे वो चेस करता है अटेंशन को। हां आ जाओ, मैं भी आगे घूमता हूं, कितने देर में आओगे? हाँ तो आ जाओ ना, मैंने भी दिया ना एड्रेस, मैं यूँ 10 मिनट दूर है बस आपके एड्रेस से। ओके भाई ठीक है चलो। यहाँ पे यार इतनी बढ़िया तरीके से बात हो रही है, बैठ के बात ही कर लेते अगर आना ही था, एल्विस भाई बात ही कर लेते, बात कर ही रहे हो, अचानक से शकल देख के क्या सामने आके गुस्सा ज्यादा आ गया क्या, पता नहीं आ रहा है यहाँ पे। इट्स क्लियर दैट दिस वाज प्रीप्लान्ड, साफ दिखा रहा है कैसे वो चेज करता है अटेंशन। तो हाँ मतलब मैक्सन का तो प्लान था ही है, लेट्स बी ऑनेस्ट माय गाइस, मैं किसी की तरफदारी नहीं करूंगा अभी। मैक्सन को पता था वो आ रहा है, मैक्सन ने पोक किया था, वो मैक्सन खुश था मेरे ख्याल से कि वो आ रहा है, पर मैक्सन को लगा हुआ सिर्फ बातें होंगी। मुझे लगता है उसके साथ जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, मैंने एल्विस यादव को बहुत सपोर्ट किया। पिटाई नहीं होनी चाहिए थी, देखो वायलेंस नहीं होना चाहिए था, स्ट्रीट वायलेंस नहीं होना चाहिए था, ये मेरा भी ओपिनियन ही है ये फिलहाल। अभी आगे देखिए क्या है। इनफैक्ट जब ये इंसिडेंट पूरा हो रहा था फेक हिंदू वाला, जब उसके अगेंस्ट ट्रेंड चल रहे थे शेमन एल्विस, मैंने एल्विस को रीच आउट किया, बिकॉज़ मुझे लगा कि आई बिलीव मैं उसको अपने पॉडकास्ट पर बुला सकता हूं और हम लोग बात कर सकते हैं। पर इस फुटेज के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि बात करने के लिए कुछ रह गया मेरे, क्योंकि अब ना अब क्या पता भैया पीपो भाई पॉडकास्ट में बुलाए और पीपो भाई पे हाथ उठ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मजाक कर रहा हूं लेकिन आगे देखिए पॉइंट्स हैं गाइस। एक अगर आप में जिगरा है और आप मैन हो तो झुंड में क्यों, 1v1 क्यों नहीं, क्या 1v1 बस पबजी के लिए, रियल लाइफ के लिए नहीं है, या बस डैलोस के मैक्सन अकेला था, क्यों आप इतने सारे लोगों के साथ गए, क्यों बहुत सारे और लोग मैक्सन को सख्त मार रहे थे एल्विस के साथ? भाई आप पता है अगर मैक्सन अगर हाथ पांव उठाता भी ना तो उसकी ना वो ना उठा नहीं सकता था, क्योंकि वो हाथ पांव उठाता तो सारे बंदे मारने लग जाते, तो उसने और घुटना था, हड्डी उड्डी टूट जाती, तो उसने देख लिया इतना दिमाग लगा लिया कि यार अब मैं हाथ उठाऊंगा और पिटना है, उससे बढ़िया जो 4-5 झपाटे पड़ेंगे वो झेल लो और आगे बढ़ो, ये उसने एनालाइज कर लिया होगा इतना, क्योंकि बहुत सारे बंदे आते ना वो भागेगा कहाँ, उस कमरे से जगह थी नहीं भागने की, और कैसे भागेगा 8 लोग है, समझ रहे हो, 1v1 में अलग सीन हो जाए थी। अगर आपने देखा होगा बड़े सारे विलेंस हैं हमारे हमारे बॉलीवुड में, अभी बॉबी देओल को ले लो, वो अकेला लड़ा रणवीर से एनिमल मूवी में, कितने ऐसे विलेंस भी हैं जो अकेले लड़ते हैं, तो अगर आप हीरो हो तब तो आप झुंड में कभी नहीं जाओगे, तो ऐसी कौन सी ये हीरो है, ऐसा कौन सा एंगर है, ऐसी कौन सी हीरोगिरी है जिसमें आप झुंड में लोगों के साथ जा रहे हो, ऐसा तो कोई हीरो नहीं होता। अगर आप हीरो भाई यार तुम झुंड में जा रहे हो वो भी तुमने ऐसा भी नहीं है कि तुमने बोल रखा है कि फाइट करने आ रहा हूं मैं, तुम एकदम झुंड में गए और दबोच लिया बेचारे को, आई डोंट नो, भले ही वो पोक कर रहा हो जो भी कर रहा हो, लेकिन यार पिटाई तो नहीं होनी चाहिए, देखो मेरा तो ये मानना है अपने आपको। पर दूसरा मुझे लगता है ये एंगर का इशू भी है, ये टेंपर का इशू भी है, या ये कंपनी का इशू है, अरे एंगर का इशू है तो सरासर बेवकूफी है, ये वीकनेस है, ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है, एंगर जो है एंगर मैनेज। मैं तुम्हें बताऊं एल्विस जिस मुकाम पे है ना अभी, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक है उसकी, बहुत बड़ी, हाथ उठाना ही नहीं चाहिए था भाई, कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए था सारी पोकिंग, यार क्या क्या ही हो जाता, कितना ही पोक कर रहा था, ऐसा कुछ सुर्खियों में तो था नहीं कि भैया बहुत ही ज्यादा पोक कर दिया मैक्सन ने, ये वो सेवेज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था, इग्नोर कर देना चाहिए था,
सिंपल मैनेजमेंट अगर सीखना है तो फिर मेडिटेशन करिए, सदगुरु के शिविर में जाइए, कोयंबटूर जाइए, वहाँ आश्रम में जाइए, आज महाशिवरात्रि है, आज मेडिटेशन शुरू कर देते तब तो मैं ज्यादा सोचूं कि मतलब आप कुछ अपना इंप्रूवमेंट करना चाहते हो। आपको पता है हर किसी को पता होता है एंगर इश्यूज है, मेरे भी होते थे एक टाइम पे, पर करना पड़ता है, एंगर पे काम करना पड़ता है, बिकॉज आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर आप अपना आप ऐसे खो सकते हो किसी भी नुकसान से किसी भी पोक करने से तो इसमें कोई एक्सक्यूज वाली बात, वो भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ बोला हो तो ठीक है, ऑनलाइन पोक पे अगर तुम ऐसे गुस्से में आके लड़ाई कर रहे हो तो यार इसमें तो गड़बड़ है मेरे भाई। देखो सारा कसूर आपका है क्योंकि एंगर पे कुछ भी हो सकता है, तो आप कोई भरोसा नहीं कर सकता, आप तो कोई विश्वास ही नहीं कर सकता, आप बात क्या बैठोगे कुछ पता ही नहीं है, इट्स अनसर्टेन। और ये वायलेंस हेड देना कि मैं जान से मार दूंगा, चाहे आप गुस्से में भी बोल रहे हो ये गलत है। हाँ और जान से मार दूंगा बोलना ये भी यार बहुत ज्यादा ही गलत हो गया, मतलब ठीक है। और मैं सीरियसली एक बात बता दूं, एल्विस ने अभी एक इंस्टा पे कुछ वीडियो डाली है, वो भी देखेंगे गाइस। उसके बाद मैं अभी ना मेरा ओपिनियन ऐसे हल्के मिले ऐसा आधा आधा तरफ लो, लेकिन अभी वो वीडियो देखेंगे, एल्विस की साइड भी देखनी होगी कि ऐसा क्या ही हो गया कि हाथ उठ गए, ठीक है वो भी देखेंगे। अभी मैं डाउनलोड कर रहा हूँ वीडियो। मैंने आपको बिग बॉस में सपोर्ट किया, मुझे आपका एक अच्छा चेहरा दिखा, मुझे आपका एक ह्यूमर सेंस ऑफ ह्यूमर दिखा, मुझे आपके साथ जो शो में हुआ जो सलमान खान ने करा आपकी मदर को बुला के, मैंने उस पर भी आपको सपोर्ट किया, सब लोगों ने थू करी कि राज भाई आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, पर मुझे पता नहीं आप में एक अच्छा इंसान दिखता रहा है, और मुझे लगा शायद मेरी आपसे बात होती तो मैं ऐसा बड़ा भाई आपको समझाता क्योंकि शायद आपकी कंपनी गलत है। मैं किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा, बट अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो आप सीरियसली आपको देखना पड़ेगा आप किनके साथ घूमते फिरते हो, कौन आपको काउंसिल कर रहा है, आपके जो दोस्त हैं वो शायद दोस्त हैं भी या नहीं, ये आपको सोच। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये बड़े यूट्यूबर्स को ना मजाक सेट के एक डेडिकेटेड पीआर टीम की जरूरत है कि भैया ये करना है और ये नहीं, मजाक सेट के। एल्विस का पता नहीं मुझे, यूके राइडर को तो भैया आज ही हायर कर लेना चाहिए पूरी टीम, लेकिन यस मैं ऑफ टॉपिक चला गया क्योंकि यहां बात किसी और पे नहीं आ रही, यहां बात आप पे आ रही है। और इतने फेम पाने के बाद जहां आपको रिस्पांसिबिलिटी के साथ एक एग्जांपल क्रिएट करना चाहिए, इन्फ्लुएंस कमाने के बाद 15 मिलियन लोग हर एक इंस्टाग्राम के पोस्ट के बाद कितने लोग आपकी पोस्ट को लाइक करते हैं। चैरिटी मैच में सचिन तेंदुलकर के साथ आप खड़े हो यार, उन्हीं का तो मान रख लेते, वो भी क्या सोचेंगे यार मैं इस बंदे के साथ खेल रहा था, आज मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूं, बिकॉज़ भाई ना अब देखो वो लोग ना अब हिचकिचाएंगे बाकी सेलिब्रिटीज ये देखने के बाद कि यार क्या मेरे को जाना चाहिए, कहीं से मेरे पे हाथ उठा दिया तो ये ना बहुत बड़ी गलती थी, करना हाथ उठाना ही नहीं चाहिए था मेरे भाई, अगर मतलब गुस्सा था ही तो बहुत बड़ी गलती कर दी भाई, बहुत। मैंने बहुत सुना है अल्विश तुम्हारी वजह से, बिकॉज़ मुझे तुम्हारे में एक अच्छा इंसान दिखता था, जो ये हरकत है इसको तो मैं एंडोर्स नहीं कर सकता, इसको तो कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, दिस इज वेरी सीरियस यार, कोई भी सुसाइडल भी हो सकता, इट कुड बी सो एंबैरेसिंग, किसी को पीट रहे हो ऐसे, बट दिस इज नॉट डन, कोई आपको पोक कर रहा है, ऐसी क्या ही हुआ है, ऐसा क्या बताओ, गलती से उसका कहीं कुछ लग जाता है, ज्यादा ही लग जाता भाई, गड़बड़ हो जाती फिर तो और फंस जाता है अल्विश पे। काट लिया यार, ये जिंदगी है छोटी सी, इसे प्यार से जी लो, ये हेट कहां लेके जाएंगे हम लोग, और इतना ही था, इतनी फाइट करनी थी तो पुकारते उसको 101, मिलते उसको 101, झुंड में ले जाके इसकी तरह से पीटना। अब कई लोग बोल रहे हैं कि मैक्स वन वन कर दो ना, जैसे वो के भाई कर रहे हैं हमारे, वैसे कर दो। ने प्लान किया था यार, मैक्सटन ने प्लान किया था, जो भी अब रिकॉर्ड कर रहा था उसने खुद बुलाया आपको, वो पोक कर रहा है, पर आप पोक हो रहे हो, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, और वो भी लोगों के साथ मिलके झुंड में जाके। यार देखो मैक्सटन ने प्लान किया ठीक है, लेकिन यार क्या एल्विस को नहीं पता था मैक्सटन प्लान कर रहा है, अगर ये बात जो चल रही है कि मैक्सटन ने प्लान किया सब कुछ प्री प्लान था, ठीक है भाई चलो मैं मान लिया, चलो मैं मानता हूं प्री प्लान था, लेकिन यार यही तो एल्विस को दिमाग लगाना था कि नहीं यार ये तो प्री प्लान है, या तो फंस जाऊंगा भाई और नहीं जाना चाहिए था, है ना गाइस, ऐसा तो मेरा सोचना है, मैं तो ऐसे सोचता, देखो कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, इसको कोई डिफेंड ही नहीं कर सकता यार, आई एम वेरी सॉरी, ये डिफेंड करना एल्विस की साइड, अभी तक एल्विस की साइड लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन वीडियो अभी बाकी है मेरे गाइस, एल्विस का हिस्सा हमको देखना पड़ेगा उसके बाद ही हो सके कुछ, अभी तक तो डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, एल्विस को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैक्सन ने पोक किया हो कुछ किया हो, हाथ उठाने में फंस गया एल्विस भैया, मेरी भी गलती रही है, बिकॉज हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना जो कई बार गलत चीज़ को साथ देते हैं, उन्हीं से शायद सपोर्ट मिलता, पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, और वो क्राइम बढ़ता जाता है, और ये क्राइम है, क्राइम से कम नहीं है, वायलेंस एंड इंटिमिडेशन एंड थ्रेट फॉर लाइफ इज अ सीरियस क्राइम, ये बहुत सीरियस। देखो क्राइम है तो सही है, पर मेरे ख्याल से केस लग नहीं रहे ज्यादा बड़े। खैर लेट अस सी एल्विस की वीडियो गाइस, अब सो ये है गाइस इंस्टाग्राम की वीडियो, लेट्स सी क्या हो रहा है। लोगों को एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी, और बहुत सारी चीजें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर, एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एल्विश ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। मर्डर थ्रेट दे दिया था ना पर एल्विश ने कि जान से मार दूंगा, तो यार अब वही है ना, अब वो भी कोशिश तो करेगा लगाने की, पर देखिए आगे, और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया। वही तभी मैं कह रहा था अभी तक रुक जाते, ये वीडियो के बाद ही मैं एक ओपिनियन फॉर्म करूंगा, अभी तक तो एक्शन के साथ गलत हुआ है, पिटाई उटाई नहीं होनी चाहिए थी, भले उसने पोक किया जो भी किया वो हाथ नहीं उठना चाहिए था, लेकिन लेट अस सी नाउ कि ऐसा हुआ क्या कि हाथ उठाना पड़ा, बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एल्विश यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है, सारी चीजें ना एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे, और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूंगा बहुत ज्यादा इमोशनल हो एक साइड की स्टोरी सुन के, बहुत जल्दी मैं वही कह रहा हूँ पूरा दोनों साइड देख लेते हैं गाइस, बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि ओ एल्विश ने तो ये कर दिया, ओ मैक्सटन के मार दिया, एल्विश तो बदमाश है, गलत आदमी है, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कॉमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है,
तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, क्योंकि चलो भाई काफी लंबी है, चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखूं, ठीक है भाई, मेरी भी आओ देखें सुनी जाए, तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, ये हो गया अपने 8 महीने, बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है, उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई, हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एल्विश ने ये करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, वो तो वो पोक कर रहा है, ठीक है, अभी तक इतना तो हमको पता है। और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एल्विश, कई चीज़ें। बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट में मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मजा आ रहा, इसको क्या हो गया। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है ये सारी चीज़ें, चलो कोई बात नहीं कर लो। तो मैंने इसके मजे लेने स्टार्ट कर दिया, मैंने इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल, उसके बाद ठीक है चलता है, इतना वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी बातें। इसने हर पछड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है कोई नहीं अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है याद रखियो, कब सोचा याद दिला दूं, तो उसका भी इस पर रिप्लाई। तो ये थ्रेट आ गया सबसे पहले अलीश भाई की तरफ से, है ना, थ्रेट था ये तो इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार खत्म कर देता, मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका, मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज, इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पे कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, ठीक है अभी तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते, बात करके क्लियर करना चाहता है बंदा, कोई दिक्कत नहीं, और सारी चीजें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था क्या हो गया, ठीक है। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ आके मैं, ठीक है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। बोला ठीक है भाई, मैं फ्लाइट अभी लैंड होगी मेरी 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया, इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ, पता लगा ठीक है मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीजें, कि उसने अपनी सेफ्टी के लिए डाल दे, ठीक है क्योंकि उसे भी लग रहा होगा कि पिटाई ना हो जाए, मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुंच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूंगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूंगा मैं, ऐसी ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीजें ठीक थी, इसने मैंने अपनी लोकेशन भेजा की घर की, कि घर पे आ जाओ बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूं तो सही में, क्योंकि घर पे तो पर वो जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे, क्योंकि अगर वहां पिटाई हो जाए तो फिर कोई सबूत भी नहीं है, समझ रहे हो, तो घर पे जाना तो बेवकूफी होती, गया नहीं मैक्सटन, मैं मैक्सटन की जगह होता मैं भी नहीं जाता घर पे, सच बताऊं अगर मैं तुम्हें, खासकर इतना पोकिंग करने के बाद मैं तो जाता नहीं घर पे भाई, क्योंकि मुझे पता है कुछ भी हो सके। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोला कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। पर ये चीज़ मैं विश्वास नहीं करता, इस बात का मैं विश्वास नहीं करता, और मैं नहीं जाता घर, इस बात का विश्वास नहीं करता। पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी, कुछ मैंने अपशब्द यूज करे इस चीज के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट, मैंने की एक काम करता हूँ मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। ये क्या हुआ, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है क्या, जला दूंगा वाली, ये रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहां पे इसने पूरा सेटअप। यार ये ना अब एल्विश भाई ने बोल तो दिया कि तेरे पूरे परिवार को आग लगा दूंगा, देखो मैं इसका ना प्रूफ चाहिएगा, क्योंकि मैं मैक्सटन को काफी टाइम से जाता हूँ, मैं BGMI में था वो अपने साथ, जानता हूँ मैं, काफी टाइम से जानता हूँ, जब से है तब से जानता हूँ, उसी ने अप्रोच किया, मैंने आज तक उसको ऐसे शब्द यूज करते हुए सुना नहीं गाइस। देखो मैं तुम्हें बता सकता हूँ जितना मैं उसे जानता हूँ उस हिसाब से, मैंने उसको आज तक ऐसे बोलते हुए कभी सुना नहीं। अब अगर एल्विश भाई बोल रहे हैं तो एल्विश भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, या मैक्सटन पे कॉल रिकॉर्डिंग है तो भाई डाल दे पूरी, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने तो उसे सुना नहीं ऐसे शब्द बोलते हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ बहुत अच्छा इंसान है ये वो, मैं कुछ नहीं, उस बारे में न्यूट्रल रहूंगा, पर जो सच है वो सच है, मैंने ऐसा बोलते उसे सुना नहीं गाइस कभी, ठीक है। बात ये है, मैं बहुत टाइम से जानता हूं उसे, ऐसे सब कॉल पे भी काफी बार बात हुई है, पर्सनली नहीं मिला हूं, लेकिन ऐसे शब्द बोलते हुए मैंने उसको नहीं सुना है। देखो सच्चाई, झूठ बोलूंगा नहीं, पता नहीं अब क्या पता बोल भी दिया, उसके लिए मेरे को रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी गाइस, बात बात पे होगा नहीं, अभी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, अब है शायद रिकॉर्डिंग, पता नहीं है तो डाल दो एलिस भाई,
या मैक्सन तुम पे बढ़िया, तुम पूरी कॉल रिकॉर्डिंग डाल दो, मैक्सन पे होगी उसने रिकॉर्ड करिए लग रहा मुझे, लेकिन डल जाए वो तो अच्छा है। पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और मैक्सन को पता था तो कैसे यूज करना है, ठीक है। और मैंने एक भी चीज सोशल मीडिया पे नहीं, ये बात ना एलवी यादव को भी पता थी कि क्या होने वाला है, मैक्सन को पता है क्या होगा और वो कैसे यूज करेगा, तभी तो हाथ नहीं उठाना था, तुमको सब कुछ पता ही तो है मालिक, उसके बाद भी क्यों पिटाई। नहीं भाई डाली की मैं मैक्सन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फोन मैक्सन डालेगा एलवी नहीं डालेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, मैक्सन लेट्स बी ऑनेस्ट, मैक्सन चेस कर दो रहा था, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट माय गाइस, झूठ बोलूंगा नहीं, देखो इस वीडियो में मैक्सन चेस कर दो रहा था, उसने डाल दी क्योंकि वो वैसे ही करके गेन करेगा फॉलोअर्स वगैरह जो भी सीन है, लेकिन यस एलविस क्यों ही डालेगा, यहाँ वहां जा रहा हूँ, ये तो एलविस मतलब काफी ज्यादा ऊंचे उसमें कंपेयर टू मैक्सन, तो एलविस क्यों ही डालेगा कि हाँ ये वो मिलने जा रहा हूँ, मेरे को लगता है ये सब डालने की बात थी। रिकॉर्ड करूँ ये सारी चीजें, ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीजें हैं, ये है ही नहीं एलविस की मतलब की, क्योंकि क्या ही फायदा है एलविस का, कुछ फायदा नहीं हो करके, मैक्सन को फायदा उल्टा पड़ता है उससे, तो एलविस ने नहीं की सीधा पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड, ये एलविस को भी पता तो था प्री प्लान्ड है सब कुछ यार, कैमरा कहां छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने, आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, ठीक है इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है जब ठीक है, मैक्सन को पता था ये सब होने वाला है, ठीक है यार, लेकिन पिटाई नहीं करनी थी ना, बात वहीं अटक जाती है, मैक्सन ने प्लान किया हो, मार गया मैं मैक्सन ने प्लान किया, लेकिन आपको हाथ नहीं उठाना चाहिए था यार, वहाँ फंस गए ना बड़े भाई, आप फंस गए उधर, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज करना है, और जो जो लोग इसमें शामिल है मुझे भी पता है, ठीक है, और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, हाँ तुम तो 9-10 जने थे, ठीक है ये 4 जने थे भाई, इससे पुरानी सीसीटीवी की फुटेज निकलवा लेना जितने भी थे, ये 4 जने थे, उनमें से कोई नहीं आया इसको बचाने, एक जना भी, और जो मेरे साथ लोग थे वो रोक रहे हैं, वो मार नहीं रहे, वो रोक रहे हैं कि बस 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 बस, नहीं वो तो मैक्सन के साथ 4 जने थे ठीक है, पर वो ऐसे वो नहीं करने आए थे, वो दुकान वाले ही होंगे ताकि कहीं कहीं जान से ही ना मार दे, जैसा कि एल्विस ने धमकी दी उसकी चीज के लिए वो होंगे वहां पे, जो भी होगा ठीक है, मतलब था पिटाई तो मैक्सन अकेला ही खा रहा था और बाकी लोग आए थे उधर, पकड़ तो रही थे मेरे ख्याल से, क्लिप में चला था गाइस लेकिन क्लिप चला नहीं सकते क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी यूट्यूब में। उस दिन था इंटरनेशनल वुमेन डे और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था जयपुर में जब माँ के ऊपर किसी ने मेरे को गाली दी थी, ठीक है, तो जो ऐसे ट्रोल्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं यार, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, जो एल्विस ने बोला था कि उस बंदे ने मेरे को गंदी गाली दी, माँ की गाली दी, मैंने जाके झांपड़ लगा दिया, ठीक है भाई मैं साथ हूँ उस चीज में एल्विस के, तुम ये मत सोचना कि मैं बिल्कुल साथ हूँ, 2 और लगा रहे थे झांपड़ उसको, क्यों बोल रहा है फालतू में, वो बंदा जा रहा है अपना, ना उसने एल्विस ने तुम्हें देखा, तुम पीछे से उसको माँ की गाली पकड़े, 2 और लगा देता भाई, मैं पूरी तरफ से था इस चीज में, लेकिन मैक्सन ने तो ना यहाँ पे गाली दी है, हमको दिखी नहीं है, एलविस भाई बोल रहे कि कॉल पे गाली थी यार, उस चीज का ना अब तो प्रूफ चाहिएगा भाई, बात ये आ जाती है ठीक है, क्योंकि हमको तो पता नहीं कि मैक्सन ने गाली दी है, माँ की गाली दी है नहीं दी है, ये सब हमें पता नहीं, इस चीज का प्रूफ चाहिएगा क्योंकि मैक्सन ने तो प्रूफ दे दिया अपनी पिटाई का, अब एलविस भाई का सिर्फ वर्ड पे अटकी है यहाँ पे बातें, अब देख लो अब जो वर्ड विश्वास कर लेगा वो ठीक है आगे, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, आप लोगों को कमेंट आता है कि माँ बहन ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कर देंगे, बहन के साथ, तुम्हें कैसा लगता है, सिर्फ कमेंट पे गुस्सा आता है, कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पे रिएक्शन आपका क्या होगा, कोई मेरे मुंह के सामने ये सब बोल दे मैं तैयार हो जाऊंगा लड़ने के लिए, मैं चल जाऊंगा लड़ने, मजाक सेट के मैं चढ़ जाऊंगा सामने से, अगर कोई बोल दे कमेंट पे तो कमेंट तुम्हें पढ़ता ही नहीं ऐसे भाई, ऐसे कमेंट में पढ़ता ही नहीं ना, खैर मेरे को आते ऐसे कमेंट, लेकिन ऐसे कमेंट में पढ़ता ही नहीं और ना मेरे को फर्क पड़े, क्योंकि मेरे को पता है इतने से होंगे मैं जाऊंगा वहां उनसे लड़ने, इतू से ये मिलेंगे एक झापड़ में इन साइड हो जाने, तो वो तो मैं पढ़ता ही नहीं, ऑनलाइन तो मैं मानता ही नहीं चीजों को भाई, ऑनलाइन कुछ बोल लो, ऑफलाइन में बात आ जाती है, ऑफलाइन में मैं भी लड़ने चल जाता तैयार था, लेकिन वो जो वीडियो है उसमें मैक्सन ने कोई गाली नहीं दी है जहां तक मैंने देखी है वो वीडियो गाइस, ठीक। अब एलविस भाई बोल रहे कॉल पे उन्होंने बोला है कि घर वालों को जिंदा जला दूंगा, इस चीज का एलविस भाई प्रूफ डाल दो, मैं तुम्हारी तरफ हूं फिर, बस इस चीज का तुम डाल दो प्रूफ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ पूरी तरह से फिर, अगर इसने ये बोला है तुम बस डाल दो कॉल रिकॉर्डिंग, मैक्सन तेरे पे बढ़िया तू डाल दे भाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है बस इसी चीज पे बात अटक गई है। क्या आप उसको उससे बात करोगे, हाँ हाँ भाई एक काम करे माचिस ले जा ले भाई मेरे घर वालों में आग लगा दे, मुझे भी आग लगा दे जिंदा जला दे, हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं है, और अरे किसी को भी गुस्सा आएगा कोई भी पिटाई लगा देगा, घर वालों को आग लगाऊंगा बोलूंगा मैं भी लड़ने चल जाऊंगा फिर कोई कुछ बोले, ठीक है, लेकिन इस बात का अब इस केस में एलविस को प्रूफ देना पड़ेगा क्योंकि मैक्सन ने तो फंसा दिया बुरी तरह से, वीडियो पूरी तैयार है भाई की, तो एलविस अभी बुरी तरह से फंस रखा है, ठीक है, अब बस वर्ड से बहुत मुश्किल है वो करना गाइस। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं
सारी बिरादरी होगी, पूरी 36 बिरादरी, चाहे यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत जितने भी हैं। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप है भाई कुछ दिल हो जाओगे कि आपके है, जलाने मैं भी लड़ूंगा जाके, तो आप उससे जाके मुझसे कोई बोले सामने और उससे पूछोगे हाँ भाई क्या दिक्कत होगी? नहीं पूछूंगा भाई, मैं भी झापड़ मारूंगा। बिल्कुल सही हो एल्विस भाई तुम इस बात में, बस तुम प्रूफ डाल दो। मैं तो कह ही नहीं रहा कुछ, कोई कुछ नहीं कह रहा। एल्विस अगर इस चीज, यार एल्विस ने कॉल रिकॉर्ड नहीं की होगी क्या भाई? अगर एल्विस वो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है तुम पे, तो भाई तुम्हें भी जरूरत है एक पीआर टीम की, मजाक से हटके डेडिकेटेड टीम की, कि अब तो तुम बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हो मेरे भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। तुम जलाने की बात कर रहे हो, मेरे घर वालों को जलाने की बात करे, मैं भी लड़ने चला जाऊंगा, लेकिन ये ट्वीट ट्वीट पे नहीं, कोई सामने से बोल दे मैं भी चला जाऊंगा लड़ने का इस, लेकिन ये ट्वीट ट्वीट पे नहीं, ट्वीट पे तो बोला भी नहीं उसने, शायद कॉल पे बोला है, ऐसा बोल रहे हैं एल्विस भाई, बस उस चीज़ का प्रूफ चाहिएगा जनता को करने के लिए। खैर कमेंट तो सारे इस पे सपोर्ट एल्विस वाला ही है। यार पता है दिक्कत ये है ना, यहाँ पे ऑडियंस ना ऐसे घूमती है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा इस, एक हिस्सा देखेंगे उसकी तरफ हो जाएंगे, दूसरा हिस्सा देखेंगे उसकी तरफ हो जाएंगे, मतलब ये बिल्कुल ऐसे डगमगाता रहे माइंडसेट लोगों का ना, तो बहुत दिक्कत की बात है यार, इमोशनल बहुत जल्दी हो जाए लोग गाइस, मजाक सेट के गाली गलौज कर। तभी मैं पहले वीडियो नहीं बनाया, मैं वेट कर रहा था एल्विस के उस चीज का, इस वीडियो का। माँ का दूध हमने पिया और अपने तरीके से हम उसका वो करते हैं, चलो ये भी ठीक है, लड़ाई हो गई, उसने मेरे को बोल दिया लड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी लड़ाई खत्म हुई, मुझे मैंने उसको दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि यार ज्यादा लगी, मिल लेते हैं नॉर्मल से सॉर्ट कर लेते हैं। हमने इसको घर भी बुलाया, मैंने कि घर आजा कोई बात नहीं। नहीं यार अब तो एल्विस वो क्यों आएगा भाई, तुमने उसकी पिटाई कर दी उधर, अब तुम घर बुला रहे हो, वहां पे तो तुम जान से मार दोगे, उसके दिमाग में ऐसा चलेगा क्योंकि तुमने बोला, थ्रेट तो दे दिया लाइफ अल्लाह, समझ रहे हो, अब वो घर थोड़ी आएगा बात करने। यार बैठ के बात कर लेते हैं, इट्स ओके। ये नहीं माना, क्यों मानेगा यार, अभी तुमने उसकी पिटाई करी, उसके होंठ सुझा दिए, अब क्यों मानेगा वो वापस आना, अब तो इट वॉज टू लेट माई भाई, इट वॉज टू लेट। इसने एक बारी बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ये नहीं आया, ये अपने घर चला गया। अरे नहीं आएगा यार, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने दोबारा, मैंने कि यार अच्छा लगता है ऐसे कि ज़्यादा लग लुक गई, नॉर्मल बैठ जाते हैं, इतना नहीं वो होना चाहिए था, इसके वोट की जो इसने भी डाल के यहाँ पे लग गई थी, मैंने कि अच्छा लगता, पर वो भी ठीक है कोई नहीं। इसने अगले दिन क्या करा, FIR करवाई। वो तो कराएगा यार, तुमको पता तो है वो वही चीज। और हमारे पुलिस प्रशासन पे भी इसने सवाल उठाए खूब की 307 लगनी चाहिए, 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत बड़ी चीज होती है अटेम्प्ट टू मर्डर ना, या फिर 307 तो नहीं लगेगा, लेट्स बी ऑनेस्ट 307 नहीं लगेगा उस पिटाई में, 307 नहीं लगेगा, मुंह बोली बातें अलग हो जाती है, 307 नहीं लगेगा, लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट उसमें नहीं लगेगा 307, मर्डर बहुत बड़ी बात होती है, 307 नहीं लगेगा मेरे भाई। आप वीडियो देखोगे मेरे हाथ में, आपको शायद कुछ नहीं है, कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि है नहीं, 307 नहीं लग सकता ना, वेपन ना किसी प्रकार कुछ ज्यादा ही भयानक है भाई, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा यार भाई, बड़ी सीधे तरीके से बोल रहा है कि इस पे मर्डर चार्जेस लगाओ, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी लेफ्ट लॉबी तो है ही, वो तो अगेंस्ट थी मेरी, जाए ये हो या ना हो वो अगेंस्ट में ही है मेरे, क्योंकि लेफ्ट राइट मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन वो नहीं लगेगा मर्डर चार्ज, तो मर्डर का तो था नहीं केस, देखो मर्डर वाली बात, मर्डर केस तो नहीं होगा। मंदे टाइम में भैया अपने धर्म का खूब साथ दिया, आगे भी देते रहेंगे, और उसकी गाली मिलती है कोई बात नहीं, धर्म का साथ हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, गाली भैया दे लो, वो तो पहले भी देते थे अब भी खा लेंगे, तो पूरी लेफ्ट लॉबी इसके साथ है। इस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को अटैक कर रहे हैं, हमारी गुड़गांव पुलिस को अटैक कर रहे हैं कि अपनी FIR में 307 लगाओ, किस बिना पे लगाएं, सर नहीं लगा चोट आ गई, मैं मर्डर करने गया उसका, उस एक बुक्के पे मर्डर चार्ज नहीं लगेगा मेरे भाई, देखो ये तो सच्चाई है, मर्डर चार्ज ज्यादा हो गया, सारा प्री प्लान्ड, फोन ने लगाया, माइक इनने लगाया, एल्विस बातें रिपीट कर रहा है यहाँ पे, यानी कि दिस वाज इट, मेरे को लगता नहीं आगे वीडियो खेल रहे हैं, जरूरत है देखने की मेरे को, तो ये लग गई, मैं समझ चुका हूँ पूरा, स्पाइन मेरी स्पाइन पे अटैक कर दिया, मेरी स्पाइन टूट जाती है, ऐसे टूटती है भाई स्पाइन, स्पाइन टूटने यार देखो कुछ कह नहीं सकते, स्पाइन कैसे भी टूट जाए, क्या पता कमजोर हो उसकी, लेकिन पता नहीं उतनी पिटाई में स्पाइन टूटना तो पता नहीं मेरे को, लेकिन यार पढ़ा लिखा इंसान बताएगा ये स्पाइन होती है ऐसे टूटती है, दो थप्पड़ मारते कमर में तुम्हारी स्पाइन टूट जाती है, पर क्या ला वारिस हो जाते हैं यार, पता है अब बात क्या हो गई, एल्विस की बात सही है, देखो उसने पिटाई भी इतनी, लेट्स बी ऑनेस्ट, बुरी तरह नहीं की, बुरी तरह कर सकता था, बुरी तरह उसने पिटाई नहीं की, ठीक है गाइस, लेकिन वो ना मैटर नहीं करता, मैटर करता है पिटाई कर दी, बुरी तरह अब कर दी तो अब बुरी तरह करता था और पीछे पड़ जाते लोग, लेकिन बुरी तरह नहीं की पर पिटाई कर दी, और एल्विस भाई फंस चुके, ये वीडियो में देख चुका हूँ, लावारिस नहीं कहते भाई उसको, अपाइज कहते हैं पहली बात तो, अब ये वर्ड प्ले में नहीं जाएंगे हम, लेकिन यस गाइस आई थिंक दिस इज बैड, एल्विस की ही गलती है यहाँ पे, मैक्सन पोक करता है, मैं अग्री करता हूँ, मैक्सन ने पोक किया, मैक्सन ने ही पहले उंगली डाली,
मैं अग्री करता हूँ इस बात पे। मैक्सटन ने अनपंड चीजें ट्वीट की, मैं अग्री करता हूँ इस बात पे। मैक्सटन ने क्या कॉल पे परिवार जला दूंगा ये बोला, इस बात का मेरे को यार कॉल रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी तब मैं मान जाऊंगा। अगर कॉल रिकॉर्डिंग दिखा देता है, कॉल रिकॉर्डिंग आ जाती है सामने की मैक्सटन ने ऐसा बोला है, तो भाई फिर मैं एल्विस के साथ हूँ कि भाई नहीं बोलना चाहिए था, परिवार के वालों के बारे में पिटाई तो लगनी है उसके बाद। लेकिन अगर मैक्सटन ने ऐसा नहीं बोला है तो यार फिर तो देखो एल्विस की गलती है और एल्विस भैया फंस गए इधर। लावारिस उसको कहते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते, तो माँ बाप को जलाने की बात आपने करी थी, मैंने नहीं करी। वापिस से ये बात आई है, गुस्से में मेरे मुंह से निकलेगी तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। तो देखो हमने सुना है, देखा है हमने बोलते हुए, लेकिन जला दूंगा वाली क्लिप अगर है गाइस, मेरे पे तो अभी नहीं है, मेरे को नहीं दिखी अभी, लेकिन अगर वो है तो इसमें मैक्सटन की गलती है। लेकिन अगर नहीं है और नॉर्मल पोकिंग की वजह से मैक्सटन की पिटाई होगी तो यार पिटाई तो नहीं होनी चाहिए, देखो हाथ नहीं उठना चाहिए था। वो भी तुम शहर टॉप के आ रहे हो हवाई जहाज से और पिटाइयां करने आ रहे हो, तो फिर देखो इससे ना फिर गलत इन्फ्लुएंस जाएगा, जो भी यूथ देखती है और वैसे भी यूथ बहुत ज़्यादा देखती है एल्विस को, तो इससे ना गलत मैसेज जाएगा, फिर ना दंगे होते रहेंगे फिर पूरे भारत में, ये वो हम फिर आपस में लड़ते रह जाएंगे और बस यही रहेगा सीन, समझ रहे हो, दुनिया आगे निकल जाएगी, हम आपस में लड़ते रह जाएंगे, नलबाजी हो जाएगी गाइस। एल्विस भाई तुम कॉल रिकॉर्डिंग डाल दो, होनी चाहिए यार रिकॉर्डिंग, एल्विस पे होनी चाहिए रिकॉर्डिंग यार, इतना तो होगा कि भाई मैं भी अपने लिए कुछ प्रूफ कर दूं, होना चाहिए एल्विस पे रिकॉर्डिंग। मैं मान नहीं सकता एल्विस पे रिकॉर्डिंग ना हो, है तो भाई डाल दो, अगर मैक्सन तुम पे है भाई तो तुम डाल दो और बात यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन यस आओ देखते हैं बाकी यूट्यूबर्स क्या रिएक्ट कर रहे हैं इस बात पे। ओके अब देखते हैं कौन कौन सपोर्ट कर रहा है मैक्सटन को, करने वाले एल्वी कर रहे हैं। सबसे पहले ध्रुव राठी जिनकी पास्ट में एल्वी शादो के साथ ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, वो मैक्सटन की वीडियो के नीचे ट्वीट करके लिखे शॉकिंग मोर पावर टू यू, होप द पुलिस टेक्स एक्शन नेक्स्ट। ओके तो ध्रुव राठी तो आएगा ही, ऑफ कोर्स ध्रुव राठी वेलकम, बट यहां पे एल्वी की गलती है ना, सब आएंगे यार। रेना ट्वीट करके लिखे असली ट्रिगर इंसान तो एल्वी शादो है भाई नेक्स्ट। सब रेना इंसान के मैनेजर जासूस लिखे वी आर विद यू ब्रदर नेक्स्ट। आमिर माजिद ट्वीट करके सच अ ब्रेव गाय, सॉरी नहीं बोला भाई ने। ऑल्सो वो एक और ट्वीट किया जिसमें वो लिखा फीलिंग सो बैड, लोग अकेले को मार रहे हैं, नंबर होने से कोई क्रिएटर या आर्टिस्ट नहीं बनता, रिलीजन के नाम गलती करता है प्लीज का। नेक्स्ट थगेश ट्वीट करके लिखे द वीडियो डिस्टर्ब्स मी सो मच एज अ क्रिएटर, दिस इज रियली नॉट व्हाट क्रिएटर्स आर सपोज्ड टू बी, पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है इससे। एंड लास्ट में मैक्सटन को टैग करते हुए लिखे नेक्स्ट टाइम नहीं होनी चाहिए यार मैक्सटन की, देखो और एलिस बोल तो रहा है आग उग लगा दूंगा वाली बात, देखो जितना मैं मैक्सटन को जानता हूं नहीं बोला होगा यार उसने, देखो मैं तुम्हें सच बताऊं अनलेस वीडियो क्लिप आ जाए फिर मैं गलत प्रूफ हो जाऊंगा, लेकिन जितना मैं मैक्सटन को जानता हूं यार ऐसी बातें वो बोलता नहीं। मैंने उसको गाली देते हुए भी सुना है कि नहीं, मेरे को याद नहीं गाइस, वो नहीं बात करता ऐसे, वो है नहीं इस टाइप का, मुझे नहीं पता क्या क्यों नहीं हो इस टाइप का, क्योंकि गालियां तो मैं भी बकता हूँ कॉल पे, लेकिन मैंने उसे गाली बकते हुए भी नहीं सुना है शायद गाइस। लाइक मैं ऐसा नहीं कि मैक्सटन मेरा दोस्त है सपोर्ट के लिए, मैं जेन्युइनली सच्चाई बता रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने उसको गाली बकते हुए भी सुना हो, तो ऐसी बात वो बोलेगा पता नहीं मेरे को यार। अरे बंदे पीछे बढ़ गए। एक और ट्वीट करते हुए एल्विस यादव नेक्स्ट धीरो मोंचिक ट्वीट करते हुए लिखा मैक्सटन भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या, फीलिंग सैड फॉर हिम बट भाई लड़के ने 10-12 के सामने भी सॉरी ना बोलकर दिल जीत लिया नेक्स्ट। और ये तो काफी वो बात है यार कि 7-8 बंदे आ रखे और सॉरी बोल के बोला बंदों की फट जाती है, उसने बोला नहीं, वो ये भी काफी ब्रेवरी की बात है, भले जो भी प्लान हो जो भी हो, लेकिन यार जब पिटाई होती है ना तो फिर लोग आ ही जाते हैं वापस पे, उसने बोला नहीं तो ये भी काफी। न्यूज़ बॉय ट्वीट करते हुए लिखा शेम ऑन दोस यूट्यूबर्स जो इस मैटर में भी शांत हैं एंड इस ट्वीट को रिट्वीट। आई गेस के आफ्टर सीइंग ऑल दिस एल्विस इज इन द रॉन्ग माय गाइस, मैं तो फिर अभी मैक्सटन के साथ हूं, देखो अगर तुम जो कहना है कह लो, लेकिन करते हुए क्रेजी दीप लिखे आई एग्री। आल्सो गाइस मैं आपको बता दूं ट्विटर पर अरेस्ट एल्विस यादव भी ट्रेंड कर रहा है, सो गाइस 180,000 पोस्ट इतना ट्रेंड कर रहा हो रे भाई साहब, अरे एल्विस लग गए भाई ट्रेंड कर रहा है। सो गाइस सर अभी इनकी कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुकी है, तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। मैंने देखा था डाइनो भाई कुछ कह रहे थे, आओ देखिए व्हाट इज डाइनो सेइंग। यस सर लेट्स सी टॉक्सिक गेमिंग बीजीएम आई थैंक यू फॉर द 40 बाय एल्विस ने मैक्सटन को पीट दिया सीरियसली, अभी मुझे पता नहीं है कि ये मैटर क्या है और कब है कैसे है क्यों है, सो आई हैव नो आइडिया। तो डायनो का बस इतना ही रिएक्शन था जो स्टार्टिंग की क्लिप में था गाइस, कि डायनो को कुछ नहीं बताया रे यार, मेरे को लगा था कुछ बोलेंगे डायनो भाई। अरे रजत दलाल रिएक्शन लेट्स सी दिस भोसड़ी वाला इतना दिमाग लगा के फोन सेट करके रखता है धोखा के। तो दोस्तों एल्विस यादव वर्सेस मैक्सटन की कंट्रोवर्सी के बीच में एल्विस रजत दलाल एल्विस की साइड है। ओ रजत दलाल को भी कुछ लोग बार बार मेंशन कर रहे हैं और स्टोरीज में टैग कर रहे थे, तो उन्होंने भी इस मैटर के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। ये बहुत सारे स्टोरी मेंशन आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, बोल रहे हैं कि इसने उसने मार लगा दी, उसने इसने मार लगा दी, जो भी है कोई किसी को बिना बात में मारता नहीं है, और मार खाने के काम करोगे तो पिटोगे। और दूसरी चीज आदमी हो, अगर कोई आपको पेल दिया है तो अगर बस की नहीं है किसी के साथ कुछ करना तो ये सोशल मीडिया पर होना तो ना पहुंचाओ, और बस की हो तो कर लेना, मेरे को प्लीज इन चीजों से दूर। मेरा मन कर मेरा क्या बोलना बनता नहीं है, पर मेरा मन कर रहा तो मैं बोलूंगा कौन भोसड़ी इतना दिमाग लगा के फोन चेक करके रखता है धोखा के कि वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और बाद में विक्टिम कार्ड खेल के जनता को ही पहुंचाने लगता है, पता सबको होता है कि उन्हें कर्म करने पिटने के और पिटने वाले हैं तो रिकॉर्डिंग करते हैं।
दोस्तों क्या विचार है क्या यार? देखो बात ये नहीं कि उसने सेट किया कैमरा वैमरा, चलो उसकी प्लानिंग थी, ठीक है, चलो मैं अग्री करता हूँ उसकी प्लानिंग थी, बहुत चालाकी से उसने ये किया, भले ही उसको पता भी हो कि वो पिटने वाला है, लेकिन फिर भी एलविस को हाथ नहीं उठाना चाहिए था गाइस, अनलेस मैस्टर ने वो परिवार वालों को आग लगा दूंगा वाली बात बोली हो, जो कि मेरे को लगता नहीं है ऐसा कुछ बोला गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसका बहुत प्रूफ लगेगा भाई, उसको तो प्रूफ देख के ही, कॉल रिकॉर्डिंग सुन के ही मैं विश्वास कर पाऊंगा उस बात पे, अभी मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ। दलाल ये कह रहे हैं कि भैया ये वो उसने फोन लगा के रखा था यार, पर क्या पता उसने फोन उसको लगा हो, डिबेट होगा ये वो उसने लगा दिया फोन, पता नहीं ना भाई, अब उसको उसको पता हो, पता था कि वो पिटाई ही होगी, पता नहीं है अब उसको पिटाई होगी, पता था कि नहीं, लेकिन पता था तो भी उसने फोन लगाया, तो भी एलविस को हाथ नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि यार एलविस फंस गया ना, उसको पता था कि यही सब होगा, एलविस के सपोर्ट में नहीं आएंगे लोग, उसको पता था मैक्सिम विक्टिम कार्ड खेलेगा जो भी ये लोग अब कह रहे हैं, तो उसको तो और उसको एलविस को इग्नोर कर देना चाहिए था, बात यही खत्म हो जाती, कुछ करना ही नहीं था। दिस इज इट। खैर गाइस, मेरा टेक यही है कि एलविस की वो वीडियो भी देख ली मैंने, रिप्लाई वीडियो, उसमें भी कुछ है नहीं, उसने बस ये एक पॉइंट आया उसमें कि मैक्सिम ने बोला था घर वालों को आग लगा दूंगा, पर उस चीज का रिकॉर्डिंग नहीं डाला एलविस ने मेरे ख्याल से, वीडियो मैंने पूरी नहीं देखी पर मेरे को लगता नहीं उसमें डाला गया है, डाला गया होगा अगर तो मैं इस वीडियो को दोबारा एडिट करके डाल दूंगा, जब तक अगर दिख जाए पब्लिश करने टाइम तक अगर वो वीडियो आ जाए, कॉल रिकॉर्डिंग आ जाए, मैं डाल के बता दूंगा मेरा ओपिनियन क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए अपना ओपिनियन ये है कि भाई गलत हुआ है मैक्सिम के साथ, पिटाई तो नहीं होनी चाहिए थी। क्या मर्डर चार्ज लगेगा? मेरे को नहीं लगता मर्डर चार्ज लगेगा, और मर्डर चार्ज लगना भी चाहिए, मेरे को नहीं लगता कि मर्डर चार्ज लग जाना चाहिए इस बात पे, लेकिन पिटाई तो नहीं करनी चाहिए थी। प्लस एलविस यार कितने ऊपर लेवल पे आ चुका है, कहां कहां सेलिब्रिटियों के साथ क्रिकेट खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर लोगों के साथ मिल रहा है, और उसके बाद ये चीज बहुत ज्यादा बैकफायर करेगी, बहुत ज्यादा बेवकूफी वाली चीज थी, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन यस, दिस इज इट माय गाइस, दिस इज माय टेक, ऐसा नहीं होना चाहिए था मैक्सिम के साथ, पिटाई नहीं होनी चाहिए थी, भले ही वो पोक कर रहा हो जो भी हो, लेकिन पिटाई तो डिजर्व नहीं करता वो, उतनी पोकिंग में, ट्विटर वाली पोकिंग में पिटाई तो डिजर्व नहीं करता मेरे गाइस। अगर उसने कॉल पे उसने वो बात बोली कि नहीं बोली, वो तो कॉल रिकॉर्डिंग देख के ही मैं मारूंगा, अभी तो पूरी गलती एलविस की दिख रही है, पोक उसने किया ठीक है यार, इग्नोर करके आगे बढ़ो यार, क्या ही हो जाता, ऑनलाइन ही तो कर रहा है पोक, क्या ही फर्क पड़ता है, ऑनलाइन इग्नोर करो, आगे बढ़ो, मत देखो ट्वीट, ब्लॉक कर दो, खत्म। ऑफलाइन उसने कॉल किया और ऑफलाइन ये सब बोला, तब तो लगा दो पिटाई, घर वालों के बारे में बोला ऑफलाइन, मुंह के सामने कुछ बोला ठीक है लगा दो पिटाई, कोई दिक्कत ना, लेकिन मेरे को नहीं लगता उसने ऐसा कुछ बोला होगा। लेकिन यस, तुम किसके साथ हो ये था मेरा ओपिनियन, मेरे को गाली पकने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस मेरा ओपिनियन है, तुम किसके साथ हो मेरे को कमेंट में बताना, देखना, बाय बाय।